नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं प्रकाश होता दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप अपने जो मोबाइल की जो नॉच है, जिसे आप नोटिफिकेशन वगैरह देखते हैं ऊपर से, उसे आपको और भी ज्यादा बेहतरीन और भी ज्यादा क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए वीडियो, लास्ट में वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों आपको करना क्या, आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर के अंदर और वहां से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन के लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पे जाके बड़े ही आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है नॉच डिजाइन और प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस एप्लीकेशन के जैसे आप इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इस एप्लीकेशन की जो सेटिंग है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले चेंज नॉच डिजाइन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करना है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो ये ऊपर की साइड सबसे ऊपर है वहां पे आपको एक छोटा सा डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगी। छोटी सी डिजाइन है, ज्यादा बड़ी नहीं है। और जो इसकी जो हाइट है उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और जो इसकी विड्थ है उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये काफी कमाल का लग रहा है, जो ये स्पाइडरमैन बैटमैन का साइज लग रहा है, बैटमैन ही है। और यहाँ से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा चूज नॉच डिजाइन, यहाँ से आप कोई भी डिजाइन जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं और आप जैसा चाहे उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन या मूछ है इसको ले लेता हूं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं इसे बड़ा और इस मूछों को छोटा भी कर पा रहा हूं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजाइन है उसका आपके मोबाइल के ऊपर कोई किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा या फिर आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं टच कर रहा हूं और वो टच प्रॉपरली काम कर रहा है, यानी कि अगर ये एप्लीकेशन रन भी कर रही है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप क्लिक करके या फिर आप इस मूछों पे भी क्लिक करोगे तो भी जो एप्लीकेशन है जो इसके पीछे छुपी हुई है वो रन कर लेगी। तो दोस्तों ये रही आज की इस वीडियो की एक खास एप्लीकेशन। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये एप्लीकेशन। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।